योग का हम अभ्यास करते हैं बहुत सी जगहों से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी, मीडिया, सब जगह से हम योग के विषय में सुनते भी हैं। क्या योग का मतलब भी जानते हैं या योग का क्या अर्थ है उसको समझते हैं? आज हम बात करेंगे योग है क्या, हम कैसे समझ सकते हैं योग को। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सी गलत धारणाएं भी हैं योग के विषय में। तो आज का हमारा विषय है क्या है योग। महर्षि पतंजलि योग की हमें तीन स्थितियां बताते हैं। उनके अनुसार योग एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश की, अज्ञान से ज्ञान की, बंधन से मुक्ति की। और इस यात्रा में शरीर और मन हमारे सहायक हैं, ये हमारे टूल हैं। योग की शुरुआत होती है महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम, यानी जीवन में योग आया तो अनुशासन भी आएगा, और अगर हम अनुशासित हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं योग हमारे अवश्य है। अनुशासन धीरे धीरे हमें सिखाने लग जाता है कि हम अपने मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को कैसे काबू में रखें। तो यहीं पर महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधम, यानी अब योग को हम पहचाने कैसे। तो यदि हम अपने चित्त की वृत्तियों को अपने वश में रखने में सक्षम हैं तो हम योग के अभ्यास में हैं। योग के अभ्यास का अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम परिणति योग के अभ्यास की क्या है? योग के अभ्यास का जो लक्ष्य है और जो उसका अंतिम परिणाम है वो है त्रिधा दृष्टि स्वरूप स्थानम, यानी हम वास्तव में जो हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, लेकिन हमारा जो आत्मस्वरूप है अगर हम उसका रियलाइजेशन करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो यहां पर आकर योग पूर्ण हो जाता है। ये तीन स्थितियां योग की यात्रा को दर्शाती हैं। योग के अभ्यास के साथ साथ हमारे जीवन का जो उत्थान होता है उसको दर्शाती हैं। तो अब से, आज से, अगर हमारे समक्ष योग आता है किसी भी माध्यम से, तो अब हमें समझना चाहिए कि योग का केवल मतलब आसन करना, अलग अलग पोजेस करना, शो ऑफ करना, शरीर को अत्याचार देना या शरीर को बहुत लग्जरी पैटर्न पे लेके आना, ये सब नहीं है। अनुशासन, चित्त की वृत्तियों का निरोध और दोनों के अभ्यास से अपने स्वरूप पे आ जाना, यानी आत्मा के स्तर पर आ जाना। एक और नए विषय के साथ आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग अवश्य करते रहें।